नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं satyahindi.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके के मामले में वांटेड व्यक्ति की जानकारी पाने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने एक बड़ा कदम उठाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच एजेंसी ने वांटेड व्यक्ति की जानकारी देने वालों के लिए 10 लाख रुपए इनाम की घोषणा की है। बता दें कि बीते शुक्रवार की दोपहर रामेश्वरम कैफे में एक विस्फोट हुआ था, इसमें 9 लोग घायल हुए थे। जांच पड़ताल में पता चला कि एक कम तीव्रता वाला IED विस्फोट था। वहीं अब मामले की जांच कर रही NIA ने एक संदिग्ध शख्स की तस्वीर भी जारी की है और कहा है कि जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। संदेश खाली हिंसा मामले के मुख्य आरोपी बताए जा रहे शाहजहां शेख को कोलकाता हाईकोर्ट ने एक बार फिर CBI को सौंपने का आदेश दिया है। बता दें कि इससे पहले भी यानी कल मंगलवार को भी अदालत ने यही आदेश दिया था, लेकिन इस फैसले को चुनौती देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत राहत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने आज बुधवार को एक बार फिर आदेश दिया है कि शाहजहां शेख को शाम 4:15 बजे तक CBI को सौंपा जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे के दौरान आज एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सत्तारूढ़ TMC पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने संदेश खाली हिंसा का भी जिक्र किया। PM मोदी ने कहा कि संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहाँ की TMC सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। TMC सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। TMC के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवारों की बहनों बेटियों के साथ TMC के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन TMC सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर पूरा भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में हैं। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला। बंगाल में TMC नाम का ग्रहण लगा हुआ है। PM मोदी ने आगे कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे के तुरंत बाद राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने BJP पर पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। बंगाल देश की सांस्कृतिक राजधानी है और कुछ लोग इसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। TMC प्रमुख ने तल्ख लहजे में आगे कहा कि हमारे धैर्य को मजबूरी ना समझें। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सिर्फ चुनाव के समय में आते हैं और चुनाव के बाद नहीं दिखते। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छिंदवाड़ा नगर निगम के 7 पार्षदों ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार BJP की ओर से जारी की गई प्रेस रिलीज में ये बताया गया कि ये पार्षद प्रधानमंत्री मोदी के विकास के कामों से प्रभावित हैं, इसलिए उन्होंने BJP में शामिल होने का फैसला किया है। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के बागी पूर्व विधायक सुधीर शर्मा को पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव के पद से हटा दिया है। इस बात की जानकारी देते हुए पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल की ओर से चिट्ठी जारी की गई, जिसमें लिखा है कि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने सुधीर शर्मा को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव के पद से हटाए जाने के बाद सुधीर शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए ट्वीट किया कि भार मुक्त तो ऐसे किया है जैसे सारा बोझ मेरे ही कंधों पर था। उन्होंने लिखा कि चिंता मिटी चाहत गई, मनवा बेपरवा, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने कल मंगलवार को अपने घोषणा पत्र के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस का घोषणा पत्र न्याय के 5 स्तंभों पर केंद्रित रहने वाला है, जिसमें पार्टी रोजगार का अधिकार देने, पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाने, जाति जनगणना कराने और अग्निपथ योजना को खत्म करने जैसे कई बड़े वादे कर सकती है। एक सूत्र का कहना है कि यह पहली बार है कि देश के युवाओं को रोजगार का अधिकार देने की ऐसी योजना लाई जाएगी और युवाओं को कुछ भत्ता भी दिया जा सकता है। खबरों के अनुसार कांग्रेस के न्याय के 5 स्तंभ युवा न्याय, भागीदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और श्रमिक न्याय हैं। लोकसभा चुनाव से पहले खबर सामने आई है कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी
और के चंद्रशेखर राव की बीआरएस तेलंगाना में साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। इस गठबंधन की घोषणा तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा की गई। हालांकि मायावती की ओर से इस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बता दें कि तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं और पिछले चुनाव में बीआरएस ने यह 9 सीटें जीती थी। बीजेपी ने 4, कांग्रेस ने 3 और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम पर प्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समय आ गया है कि संभाजी नगर को नए निजाम से मुक्त कराया जाए। बता दें कि यहां से एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील लोकसभा सांसद हैं। अमित शाह ने कहा कि आज मैं संभाजी नगर आया हूँ। संभाजी नगर ने एक कसर छोड़ दी थी। देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष भारत रत्न सरदार पटेल ने मराठावाड़ को निजाम के कुशासन से मुक्त कराया था और मजलिस को यहां से हटाने का काम किया था। हमारी छोटी सी गलती और आलस की वजह से फिर मजलिस बैठी है। अमित शाह ने पूछा कि संभाजी नगर वालों को ये कबूल है क्या। बता दें कि पिछले साल आधिकारिक तौर पर औरंगाबाद जिले का नाम छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया था। दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मणिपुर हिंसा पर बात करते हुए कहा कि जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुखद है। बता दें कि उन्होंने दक्षिण कोरिया में एक कार्यक्रम के दौरान मणिपुर को लेकर पूछे गए सवाल पर ये बात कही। विदेश मंत्री ने कहा कि इस सवाल के संदर्भ में कि ये कैसे हुआ, सरकार ने ये कैसे होने दिया। आप जानते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसे वहाँ के हालात पर अफसोस नहीं है। मेरा मतलब है कि वहाँ जो हुआ वो बहुत दुखद है। ऐसी जगहों पर समुदाय परस्पर रूप से जुड़े होते हैं और हिंसा इस तरह भड़कती है कि उससे निपटना मुश्किल होता है। मेरा मानना है कि पूरा देश मणिपुर में शांति चाहता है। वो चाहते हैं कि वहाँ कानून व्यवस्था पटरी पर आए। इसराइल हमास में जारी युद्ध के बीच भारत ने इसराइल में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारत की ओर से कहा गया है कि इसराइल में रहने वाले सभी भारतीय, खासतौर पर वे जो उत्तर और दक्षिणी सीमा से सटे इलाकों में काम कर रहे हैं या इस इलाके का दौरा करते रहते हैं, वे देश के सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट हो जाएं। एडवाइजरी के साथ ही इसराइल में भारतीय दूतावास ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिस पर 2400 घंटे 7 दिन फोन किया जा सकता है और अगर कोई स्पष्टीकरण या मार्गदर्शन चाहिए तो उसके लिए फोन नंबर के अलावा ईमेल आईडी भी दी गई है। बता दें कि एडवाइजरी उत्तरी इलाके के एक गांव में हिजबुल्ला के हमले की वजह से एक भारतीय की मौत और 2 अन्य के घायल होने के बाद जारी की गई। रूस और यूक्रेन में बीते लंबे समय से जारी युद्ध के बीच कल मंगलवार को यूक्रेन ने दावा किया कि उसने काला सागर में एक सफल ड्रोन हमले को अंजाम दिया है। दावे के अनुसार यूक्रेन ने काला सागर में रूसी युद्धपोत को निशाना बनाया और उसे समुद्र में ही डुबो दिया। यूक्रेनी डिफेंस इंटेलिजेंस ने बताया कि उनके 13 विशेष इकाई द्वारा संचालित समुद्री ड्रोन ने रूस के 1300 टन वजन के गश्ती जहाज सर्गेई कोटोव को केर्च जलडमरू मध्य के पास काला सागर में डुबा दिया। यूक्रेनी डिफेंस इंटेलिजेंस के प्रतिनिधि एंड्री यूसोव ने एक इंटरव्यू में बताया कि सर्गेई कोटोव को पहले भी कई बार निशाना बनाया गया था, लेकिन इस बार हमने सर्गेई कोटोव को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।